Hi, welcome to my channel Mommy's Journey. So आज मैं back हूँ with another video और ये video भी pregnancy related video है but it's regarding dental. So मैंने already एक video रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस video को भी आप देखिए. यहाँ पे मैं I button पे link दे रही हूँ और ये उसका part 2 है. So, वो वीडियो था, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बोल रही हूँ. प्रेगनेंसी लेडीज में कौन से टाइप्स ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस चीज पे मैंने वो वीडियो किया था. और ये वीडियो है, आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है, यस. तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या डेंटल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि कौन से डेंटल ट्रीटमेंट्स सेफ होते हैं. सो चलिए इस वीडियो में हम उस चीज के लिए डिस्कस करेंगे. डेंटल ट्रीटमेंट्स, बहुत लोग डरते हैं प्रेग्नेंट लेडीज की डेंटल ट्रीटमेंट्स हम करा सकते हैं, डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं कि नहीं. सो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, आपको 3 to 6 months में डेंटिस्ट के पास एक्चुअली विजिट करना चाहिए जो प्रेग्नेंट है. सो अगर जो भी प्रॉब्लम है इनिशियली हम डिटेक्ट करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. सो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जो बहुत ही सेफ है और जो नहीं कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी. प्रेगनेंसी जर्नी जो होता है 9 months का होता है. सो इस 9 months में कौन सा सेफ टाइम होता है ट्रीटमेंट्स एंड ऑल कराने के लिए. सो देखिए, अगर कोई इमरजेंसी होगा तो हमें इररेस्पेक्टिव ऑफ विच मंथ, कोई भी मंथ हो, हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर इमरजेंसी है. सो ऐसा अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे सेफ पीरियड वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 4, 5, 6 months जब होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, वो बहुत ही सेफ माना जाता है कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए एंड डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए भी. सो हमारा, आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी 3 trimesters में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट में 1, 2, 3 months होते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4th month से 6th month तक होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर वो है 7th month से 9th month. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ पीरियड होता है. क्यों? मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी ऑलरेडी थोड़ा डेवलप हो जाता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट होता है, जो मेन ऑर्गन्स जो फॉर्म होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है. सो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जनरली अवॉइड करते हैं कोई ट्रीटमेंट्स एंड ऑल करने के लिए. अगर लेकिन कोई इमरजेंसी है, सपोज इतना फूल गया है, ऐसा कुछ इमरजेंसी है, तो हमें कंपल्सरी करना होगा. उसके लिए भी प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं मैं बताऊंगी. एक तो है बेबी डेवलपमेंट हो जाता है और एक और रीजन भी है कि 4th, 5th, 6th month में, एक्चुअली first 3 months में बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वॉमिटिंग्स, नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस, गैग रिफ्लेक्स, ये सब बहुत ज्यादा होता है first 3 months. सो 4th month से वो बेटर फील करने लगते हैं. और एक और थिंग है कि मतलब उनको कंफर्टेबल भी रहेगा और वो आराम से डेंटल चेयर में, ऑब्वियसली एक 1/2 hour 1 hour प्रोसीजर्स होते हैं तो उतना टाइम भी वो आराम से बैठ सकते हैं बिकॉज उनका बेली भी इतना बड़ा नहीं होगा. और वही हम थर्ड ट्राइमेस्टर में उनका बेली बहुत बड़ा रहेगा, उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे, स्ट्रेस होगा और मदर स्ट्रेस होगी तो बेबी भी जरूर स्ट्रेस होगा. इसीलिए हम last 3 months में भी अवॉइड करते हैं. सो चलिए चलते हैं कि कौन से डेंटल ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं. सबसे पहले हम ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और प्लाक कंट्रोल कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं और हमें ब्लीचिंग नहीं करना है. ब्लीचिंग के वजह से उसमें जो भी केमिकल्स होते हैं वो बेबी को अफेक्ट कर सकते हैं. सो इसीलिए ब्लीचिंग हमें अवॉइड करना चाहिए और हम पॉलिशिंग, स्केलिंग, देन क्यूरिटाज, देन प्लाक कंट्रोल, ये सब हम कर सकते हैं. और एक और थिंग हम कर सकते हैं वो है ऑर्थोडोंटिक, यानी कि जो क्लिप ट्रीटमेंट होता है, सो वो भी सेफ है. और फिलिंग कर सकते हैं, गड्ढा हो जाता है तो उसके लिए हम फिलिंग्स कर सकते हैं और रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स भी हम कर सकते हैं नेसेसरी है तो. और हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, ये है कि हमें एक्सट्रैक्शंस यानी कि टूथ रिमूवल हमें अवॉइड करना चाहिए. क्यों? मतलब अवॉइड करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है कि कर देने से क्या हो जाएगा. अगर इमरजेंसी है तो हमें करना ही पड़ेगा. जो भी हम टूथ रिमूव करते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव प्रोसीजर होता है, हम उसको चाहने से भी हम सॉफ्टली कोई नहीं कर सकते हैं, वो एग्रेसिव प्रोसीजर है. सो एक नॉर्मल पर्सन को भी डर लगता है, एंग्जाइटी होता है तो. सो प्रेग्नेंट लेडीज को ये सब
जरूरत नहीं है इतना लेने की। अगर मेडिकेशन से डिले कर सकते हैं तो डेंटिस्ट जनरली मेडिकेशन दे के उसको डिले करते हैं। अगर बहुत ही जरूरी पड़ रहा है तो निकालना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत सारा केयर लेना पड़ता है। सो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कर देने से कुछ हो जाएगा, बेबी को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अवॉइड करने से ज्यादा बेटर है। क्यों प्रेग्नेंट लेडी को इतना तकलीफ देना, लोग स्ट्रेस लेंगे, एंग्जाइटी लेंगे, तो बेबी पे भी प्रेशर होगा बोल के उसको हम डिले करते हैं। और एक्सरे, सो मेजर डाउट होता है पेशेंट्स को कि हम एक्सरेज ले सकते हैं क्या। सो डेंटल एक्सरेज भी हम निकाल सकते हैं, बट उसको कैसे निकालना है, नॉर्मल पर्सन से थोड़ा अलग मेथड में निकालना है। सो प्रेग्नेंसी लेडीज को अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरे लेना, तब हम प्रेग्नेंट लेडीज को एक लेड एप्रोन आता है, सो वो लेड एप्रोन डाल के उनको अच्छे से प्रोटेक्शन दे के, ताकि उनके बेबी को वो रेस ना जाए। एक्चुअली हम जो डेंटल एक्सरेज के लिए जो रेस यूज करते हैं वो बहुत ही मिनिमल होता है, उसका रेडिएशन बहुत कम होता है, बट स्टिल लेड एप्रोन पहना के हम डेंटल एक्सरेज पे निकाल सकते हैं। तो जनरली इसको अवॉइड करते हैं अगर हम डिले कर सकते हैं तो। लाइक आफ्टर डिलीवरी हम एक्सरेज निकालने के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज हम कोई भी चांसेस नहीं लेना चाहते हैं। अगर इमरजेंसी है तो ऐसा लेड एप्रोन पहना के लाइक डेंटल एक्सरेज भी निकाल सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।